भारतीय रेलवे में वर्तमान में व्यापक स्तर पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों व कानून का पालन करते हुए भारतीय रेलवे ने एक नीति बनाई है जो कि एक निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक भर्ती की प्रक्रिया सुनिश्चित कर रही है। हमारे द्वारा पहले से ही 20% पदों को कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस के लिए आरक्षित किया गया है, जो अप्रेंटिस अधिनियम के तहत रेलवे प्रतिष्ठानों में शामिल थे। यह निर्णय अप्रेंटिसेस एक्ट के धारा 22(1) और समय समय से आए माननीय सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के अनुसार लिया गया है। वह अप्रेंटिसेस जिन्होंने प्रशिक्षण पूरा किया है, उन आवेदकों को प्रशिक्षण की अवधि के बराबर आयु में भी छूट भी दी गई है। यह भारत में किसी भी संगठन द्वारा किए गए सबसे बड़ी भर्ती है। युवाओं के सभी वर्गों के लिए, जिनमें अप्रेंटिस भी शामिल हैं, इन सभी के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भारतीय रेलवे में शामिल होने का बहुत बड़ा अवसर है। मैं अपने युवा मित्रों से अपील करता हूं कि इन बड़ी संख्या में नौकरियों, जिसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 है, में आवेदन करें और भर्ती की प्रक्रिया में शामिल हो, जिससे सभी आवेदकों को देश की सेवा करने का निष्पक्ष और समान अवसर प्राप्त हो। सूचना के अनुसार लगभग 10:30 बजे सभी युवा भाइयों बहनों ने एजिटेशन कॉल ऑफ कर दिए और आगे चल के बातचीत वगैरह करेंगे।